बाबा मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्माता प्रदीप शर्मा की फिल्म डार्लिंग की शूटिंग इन दिनों अयोध्या में जारी है। इस फिल्म के निर्देशक सह संगीतकार रजनीश मिश्रा ने अभिनेत्री अक्षरा सिंह को लेकर कहा कि वे इंडस्ट्री की एकमात्र सिंगल फीमेल रॉक स्टार हैं जिनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास अपनी सुरीली आवाज़ है, ये दुनिया जानती है, उनके खुद के हिट एल्बम्स हैं, गाने गाती हैं, स्टेज परफॉर्म करती हैं। हमारी फिल्म डार्लिंग की कहानी उनसे ही प्रेरित है। आइए बात करते हैं अक्षरा सिंह की। तो जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। और रही बात हिंदी फिल्म या हिंदी गानों के लिए, हर इंसान या हर कलाकार जो वो कर रहा होता है उसे हर एक दिन कुछ ना कुछ बेहतर और कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहता है। यही प्रयास मेरे तरफ से भी है। और हिंदी तो मैं बहुत टाइम से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा उद्देश्य है कि मैं ना एकदम से भोजपुरी छोड़ के हिंदी में चली जाऊँ, बट हाँ बेहतर करने की कोशिश है और इसलिए भी कुछ ना कुछ नया कर रही हूँ और दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर ईश्वर ने चाहा या दर्शक का प्यार रहा तो ये पब्लिक है, कुछ भी बना सकती है, किसी को भी कुछ भी बना सकती है। आई होप सो कि ऐसा हो जाए। अभी फ़िलहाल मैं शूट कर रही हूँ अयोध्या में। फिल्म का नाम है डार्लिंग और इस फिल्म में राहुल हैं एक्टर जो मेरे ऑपोजिट हैं। फिल्म के निर्माता हैं प्रदीप कुमार शर्मा जी और फिल्म के निर्देशक हैं रजनीश मिश्रा जी। और ये हमारी पहली फिल्म है, बतौर डायरेक्टर सर पहली बार मेरे साथ फिल्म कर रहे हैं और मैं उनके साथ पहली बार कर रही हूँ। पहली बार मौका मिला हमें साथ में काम करने का। बट इस फिल्म का करने का रीज़न सबसे बड़ा ये है प्रदीप कुमार शर्मा जी। ये सर बहुत ही बेहतरीन हैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ ह्यूमन बीइंग। इनके साथ मैं ये दूसरी फिल्म कर रही हूँ और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ काम करने का। तो आई थिंक ये फिल्म करने का मोटिव या रीज़न सिर्फ सर है और उसके अलावा रजनीश सर है, क्योंकि हमें पहली बार काम करने का मौका मिल रहा था। एंड बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके से शूट कर रहे रजनीश सर हैं, तो ऑब्वियसली उनके टेक्निक्स बहुत अलग हैं। बहुत सारे शॉट्स बहुत प्यारे खूबसूरत उनके और भी कई फिल्मों में देखे गए हैं और बहुत ही सजा के वो शॉट लेते हैं, ये अलग है। और उसके अलावा पूरी यूनिट बहुत ही खुशहाल तरीके से काम कर रही है एक दूसरे के साथ मिलके। राहुल बहुत कुछ सीखने की चाह रखे हैं, हर शॉट से पहले ना डिस्कशन करते हैं कि हम किस तरीके से इस शॉट को और बेहतर बना सकते हैं। तो करीबन बहुत अच्छे से काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है काम करके। अश्लीलता की जहाँ तक बात करें तो पांचों उंगली बराबर नहीं होता है। सभी कलाकार अलग अलग हैं, अलग अलग श्रेणी इन्होंने अपना खुद ही बना रखा है। सब अलग अलग तरीके का टेस्ट लेके हैं, किसी को अश्लील गाने पसंद हैं, किसी को अलग गाने पसंद हैं, सबके चॉइसेस अलग हैं। तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, बट हाँ जो एक्सेप्ट करते हैं, जो श्रोता हैं हमारे, जो आप जैसे पत्रकार होंगे, आई थिंक आप लोगों को इस चीज़ में चुनाव करना पड़ेगा कि आप किसको सुनना चाहते हैं किसको नहीं। आपकी तरफ से इग्नोरेंस मिलेगा, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, जहाँ आप ही एंटरटेन करेंगे इन चीज़ों के लिए। तो ऑब्वियसली ऐसे गाने वाले और बढ़ते जाएंगे और आए दिन ऐसे गाने और बनते जाएंगे। बट कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे गानों को, अच्छे गीत बनाते हैं, अच्छे गानों को बनाते हैं, जो
कि यू नो अच्छे श्रोता जो है वो सुनते भी हैं, सराहते भी हैं। मुझे लगता है हर किसी को उस वैसे गाने को, वैसे जॉनर के गाने को भी पसंद करना चाहिए, सुनना चाहिए और ऐसे गानों को भी प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारे जैसे कलाकार और मेहनत कर सकें और ऐसे गाने ला सकें आप लोगों के बीच। फिलहाल मेरे सावन की कई सारे ऐसे गाने आ रहे हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं, मेरे दिल के बेहद करीब हैं। आप लोग ज़रूर सुनिएगा। हर साल की भांति इस बार भी कुछ अलग, अविनाश झा घुंगरू जी का म्यूज़िक है जिसमें, मनोज मतलबी जी लिरिसिस्ट हैं और आर्या शर्मा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बनाया है, रोशन सिंह। तो कड़ी मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद हम सब ने मिलके बहुत अच्छा अच्छा गाना बनाया। आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और इस साल सावन भी दिल खोल के यू नो अच्छे से सोमवारी मनाइए और मज़ा लीजिए, देवघर जाइए, बोल बम कहिए।